अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब साफ तरह से होंगे। अच्छा, जो आज का जो ब्लॉग है वो मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ मिक्स स्पैगेटी। ठीक है जी, आपको पता है इंग्लिश मुझे इतनी नहीं आती, जो भी आती है वो बताइए। अच्छा, लाइक करने से पहले, सब्सक्राइब करने से पहले मैंने चंद बातें आप लोगों से करनी है, शेयर करनी है। ठीक है जी, क्योंकि मैं हर बात जो होती है आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स, ये जो चैनल है नौरिंगा किचन, ये है मदद करने के लिए। ठीक है जी, तो ये चैनल मेरा नहीं है, इस चैनल आप लोगों का है, मेरी माई बहनों का है, मेरे भाइयों का है, सबका है। ठीक है जी, तो मैं चाहती हूँ कि इस पहले मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल का बटन दिया वो प्रेस कर दीजिएगा, लेकिन पहले आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, मेरी अगर बात आपको अच्छी लगे, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये सब देखें इसको। ठीक है जी, तो ये चैनल है मैंने जो ऑन किया है इसको, और वो भी आप लोगों की मदद से, इसलिए कि मेरी जो माएँ बहनें हैं, जो बेचारियाँ बेवा हैं, ये उनकी मदद करेगा, और जो तलाक याफ्ता हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती हैं, ये उनकी मदद करेगा। ठीक है जी, और इस चैनल को जो है आगे आप लोगों ने ही बढ़ाना है, क्योंकि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती और मेरे हाथ हैं खाली, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं ऐसी औरतों की मदद कर सकूँ। हमारी जो बूढ़ियाँ होती हैं औरतें, वो बेचारी अकेलियाँ होती हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो मैं चाहती हूँ मैं कुछ इनके लिए करूँ। ठीक है जी, ये सिर्फ चैनल मेरा नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है। ठीक है जी, आपने इसको कामयाब करना है मेरी ही कामयाबी से। मैं तो मदद कर रही हूँ, अल्लाह ताला मेरी मदद कर रहा है और ज़रूर करता रहेगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन वसीला आप लोगों को बनाया है। ठीक है जी, क्योंकि अल्लाह ताला वसीला जो ना, वो आप लोगों की वजह से, आपकी मदद से ही जो मैं पढ़ लूँगी, और जो मेरी वजह से जो ना जितनी भी माएँ बहनें हैं और उनकी मदद मैं कर सकूँगी, लेकिन कैसे कर सकूँगी वो सिर्फ आप लोगों की मदद की वजह से। जो ना आप इसको जितना शेयर कर सके शेयर करें, जितना लाइक कर सके लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और लेकिन पूरी वीडियो मुझे मेरी देख लें, और अच्छी लगे तो फिर आपसे कह रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैंने जो ये बेड़ा उठाया है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है व्यूअर्स। ठीक है जी, ये मेरे बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, ये सबके लिए ही है, जो जो ऐसे लोग होंगे जो मदद के लिए हैं, जो इस काबिल हैं, जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते व्यूअर्स। मेरा दिल जो ना बहुत वैसा है, मैं जब किसी को देखती हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा कि मैं उनकी मदद कैसे करूँ, नहीं कर सकती। ठीक है जी, सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मदद की वजह से, आपके एक लाइक की वजह से और आपका एक सब्सक्राइब की वजह से और बेल का बटन दिया हुआ है वो भी उसकी वजह से, जो ना हम पार लग जाएंगे व्यूअर्स, और ये जो चैनल है ये कामयाब हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि इसलिए कि ना मैं कितना खा लूँगी या मेरे बच्चे कितना खा लेंगे, तो कम से कम कुछ ऐसा किया जाए। मेरे दिल ने सोचा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। ठीक है जी, मैंने चैनल स्टार्ट किया और आप लोगों की वजह से, आप लोगों का साथ की वजह से जो ये चैनल कामयाब हुआ। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये अपने मुकाम तक पहुँचे और मैं कामयाबी हासिल करूँ। दूसरा ये, दूसरे लोग भी इसके अंदर जितने भी हैं उनकी मैं मदद कर सकूँ। ठीक है, आप खुद देखेंगे कि मैं चाहती हूँ मैं मरने से पहले कुछ अच्छा करके जाऊँ। ठीक है, तो बस इसलिए कह रही हूँ आप लोगों से कि गुजारिश कर सकती हूँ कि कुछ ऐसा करके जाओ जो दुनिया पहले तुम्हें कुछ करना चाहती हूँ ऐसा, तो इसमें जितना भी हो सके आप लोग शेयर करें। मेरी भाई बहने तकलीफ होती है मुझे उनको देख के, तो बस इसलिए ये जो चैनल है वो मैंने जो है ना ये ऑन किया, और बस इतने ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि मैं जितनी माएँ बहनें हैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। जो बेचारी भी होती है इसे नहीं देखा जाता, बहुत तकलीफ होती है, और ख़ासतौर पर तो जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उनके बच्चे तवारिस हो जाते हैं, उनका कोई भी नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा इसको शेयर किया जाए। ठीक है, बस तो आप लोगों से गुजारिश है, यही कह सकती हूँ आप लोगों से
कि जो भी मेरी व्लॉग देख रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, लाइक करें इसे, ताकि ये कामयाबी दिख जाए, ठीक है। और आपकी मदद से ही जो है ना, मैं मेरी मदद हो जाएगी और सबकी मदद होगी, इसमें सिर्फ मेरी मदद नहीं है कि आप मेरी मेरा चैनल नहीं है, आप लोगों को चलाना, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। और इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि हम किसी की मदद कर सकें। और आप ख़ुद भी कहेंगे कि मैंने जो भी मैंने बीड़ा उठाया है तो ये अच्छे काम के लिए है, ठीक है जी। और मैं करती रहूँगी अच्छा काम, हमेशा करती रहूँगी। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि जब अभी मेरा व्लॉग दिखे तो इसे ज़रूर लाइक करें, क्योंकि बेवा जो होती है वो तलाक याफ्ता होती है बहुत मशहूर होती है बेचारी, बहुत मशहूर होती है, बहुत परेशान होती है, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकती, कुछ नहीं कर सकती, करती भी है तो वो कभी बहुत माशा आपको बताइए किस तरह का है। और बस जो भी है, मैं चाहती हूँ कि मदद हो जाए उनकी किसी तरीके से, मेरी वजह से, आप लोगों की वजह से, सबकी पूरी दुनिया की मदद से जो ना इनकी मदद हो जाए। तो बस इससे जो भी मैं, जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है और जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आगे से आगे इसको शेयर किया जाए, ताकि मैं उनकी मदद कर सकूँ, इनका सहारा बन सकूँ, इनके लिए कुछ कर सकूँ। क्योंकि हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लामा इकबाल, उन्होंने भी कुछ किया था ना अपनी पूरी दुनिया के लिए, अपनी आवाम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। तो बस मैंने भी ये चैनल जो है ना ये ऑन किया है, इसलिए ऑन किया है, इसलिए जो है ना ऑन किया है, इसलिए कि ना ये मैं कुछ कर सकूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ उन औरतों के लिए, उन बेसहारा बच्चों के लिए, उन सब के लिए भी बस करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ 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 आप लोगों से बहुत गुजारिश है कि इस चैनल को जो ना कामयाबी तक आप ही लेके जा सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। तो ज़रूर इसको शेयर भी करेंगे, और मेरे व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ स्पैगेटी है मिक्स। तो पहले मैंने आपसे यही कहा ना कि पहले मेरा व्लॉग देखेंगे तो फिर आप जो ना लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आपकी मेरी जो ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है, इसको कामयाबी तक आप लोगों ने लेके जाना है, मैंने नहीं लेके जाना, क्योंकि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं अपना खाना। तो आज मैं बना रही जो स्पैगेटी है, ठीक है जी। तो इसमें जो चीज़ें मिलेंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो ऑयल ये रखा हुआ था मैंने, ठीक है, ये स्पैगेटी है, ये तैयार हो चुकी है, अंदर जो ना नूडल्स भी है और स्पैगेटी भी है, ठीक है। ये मैंने बॉयल करके निकाल लिया था, ठीक है जी। और फिर अभी मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगी, ठीक है जी। तो हमने इसको निकाल लिया और इसको बॉयल कर लिया था मैंने, ठीक है, थोड़े से ऑयल में, और इसमें नमक था, ठीक है जी। उसको उबाल के मैंने और जो ना इसको साथ से रख दिया, ठीक है जी। और ये जो है ये है चिकन, इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, ये आपके सामने बनाती रहूँगी और आपको दिखाती भी रहूँगी, ठीक है जी। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी, ये है काली मिर्च पीसी भी, ये थोड़ी सी इसमें डलेगी, ठीक है। ये हमने जो ना इसको लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। इसमें आटा है, आप चाहे तो लाल आटा ले लें, चाहे तो इसको आप ना मैदा ले लें, ठीक है। ये ऐड करेंगे इसके अंदर, और जी
ये है कौन सा, ये हम ऐड करेंगे इसमें। और ये है चाट मसाला, ठीक है जी, चाट मसाला है। और ये है कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी, ठीक है जी। ये जो ना इसमें हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, और इसमें जो ना पिसी हुई मिर्चें भी हैं इसके अंदर, ये सब चीज़ें इसमें डालेंगे, ठीक है जी। तो इसको हमने चटपटा बनाना, ये चीज़ें हैं इसके अंदर डलेंगी। ये देखिए इसका जो हम ना लिक्विड बनाएंगे, इसका मसाला जो बनाना है वो ये है, ये सिरका है, और ये सब चीज़ें डलेंगी इसके अंदर, ठीक है जी। और ये ऑयल है, ये सब चीज़ें बता दी मैंने आपको, दिखा भी दी है। अब इसको हम जो ना बनाएंगे, हल्के पानी से इसको जो ना हमने इसको भून रहे हैं, ठीक है, इसको मिक्स कर रहे हैं हम इसको, ठीक है जी। अब ये रेसिपी किसकी है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मेरी रेसिपी है, तो बस को हमने लाइट ब्राउन हम फ्राई करेंगे इसे। इसमें कॉर्नफ्लोर भी है, सारे मसाले हमने आपको बताए इसके अंदर, ये सब ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये है कढ़ाई, इसको हमने रख दिया यहाँ पर, और इसमें हम डालेंगे ऑयल और हमने इसको करना है फ्राई। चूल्हा मेरा खराब हुआ है, दूसरा चूल्हा निकालेंगे इसको। मेरे साथ आप बने रहिए इसी तरह से, आप जो ना हमें शेयर भी क्या करें, और ना इस्क्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें इसे, तो लाजमी आज की जो भी मेरा ब्लॉग है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। तो ये बताइए आप लोगों को, फिर मैंने जो बातें की आपसे, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, सब सच है, ठीक है जी। और आपको आहिस्ता आहिस्ता पता भी चल जाएगा कि जो कुछ मैंने अपने चैनल को कामयाबी के लिए किया है, तो इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें सब सच है, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला मैंने कामयाब होना है, और ज़रूर मैं कामयाब होंगी, और उन औरतों की, उन माएँ बहनों की मैंने ज़रूर मदद करनी है, ठीक है जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और ताकि हमारा चैनल जो है, हमारे पाकिस्तान का चैनल जो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है कामयाबी हासिल करें, और हम दुनिया में जितनी भी हमारी माएँ बहनें हैं उनको हम उनकी हम मदद कर सकें, बस ये चीज़ है, ठीक है जी। ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और लाजमी करना है, ठीक है। तो आज का ब्लॉग जो था वो ये है, मिक्स इस स्पैगेटी में बना रही हूँ चिकन के साथ, और ये है मैक्रोनी जी, मैक्रोनी ये देख लें, ये पानी में डाल के मैंने, और ये देखो फिर नहीं चिपके ही नहीं, ये ऐसी ही चिपके ही नहीं, ठीक है जी। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था मैंने, और पानी में इसको जो है फ्राई कर लिया, तो देखिए बन गया, ठीक है जी। तो ये बहुत आसान काम होते हैं, अल्लाह ताला ने जो है ना मेरे हाथ में हुनर दिया, और इस हुनर को मैं लेके चल रही हूँ, इंशाल्लाह ताला
हमारी माएँ बहनों के लिए ये चैनल ऑन किया है मैंने, और इंशाल्लाह आपकी कामयाबी होगी तो हमारी कामयाबी होगी। ठीक है जी, इसको आपने ही चलाना है, आपने ही इसको कामयाब करना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती बस, ठीक है जी। तो इसको हम करेंगे फ्राई, ये कढ़ाई हमारी छोटी सी जिस तरह से आपको पता ही है, तो ये कढ़ाई है, हम इसको अब फ्राई करेंगे। ठीक है जी, बस ये फ्राई होने के लिए जो गर्म हो जाए ना, ठंडे में मत डालेगा नहीं तो ये ना जुड़ जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसमें ना कॉर्नफ्लोर भी है और मैदा भी है इसके अंदर, चाहे तो आटा डाल दें, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें सब मसाले आपको मैंने बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें इसमें, हल्दी भी है, कुटी हुई मिर्चें भी हैं, पीसी हुई मिर्चें भी हैं इसके अंदर। ठीक है जी, और जो ना मैदा भी है, कॉर्नफ्लोर भी, हर चीज़ इसमें मैंने मिक्स कर दी, इसका नमक भी है इसके अंदर, सब कुछ मिक्स करके। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ना झटपट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको रखा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने आप लोगों से शेयर किया, हर चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ, और आज जो है बड़ा दिल मेरा भर गया था उन औरतों के लिए, उन बच्चियों के लिए जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं, जिनके लिए जहेज नहीं होते हैं। तो ये जो चैनल बना है वो इसलिए बना है कि आप लोग मेरी मदद करेंगे तो आगे जाके मैं इनकी मदद करूँगी व्यूअर्स। तो चैनल मैंने जो है ना ये बनाया है तो इसलिए बनाया है कि मैं किसी की मदद कर सकूँ, सिर्फ अपनी मदद नहीं है, ये सबकी मदद है, ये आप लोगों का सबका चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है। तो इसको जो ना आगे तक पहुँचाना ये आप लोगों का है, और आप लोग मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, उन माँ बहनों की हम मदद भी कर सकेंगे जो भी जारियाँ इतनी वो परेशान रहती हैं। मैं कभी कभी देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, तो बस इसीलिए ना ये चैनल मैंने जो अपना ना शुरुआत की, और आप लोगों की मदद से ही जो ना हमारी मदद होगी, हमारे पाकिस्तान की जितनी माएँ बहनें हैं सबकी मदद हो जाएगी। ठीक है जी, तो बस यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि पहले मेरा पूरा ब्लॉग देख लीजिएगा, और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल का बटन दिया हुआ छोटा सा वो भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो ये देखिए अभी हम करेंगे इसको फ्राई, क्योंकि कैमरा मैन मेरा कोई भी नहीं है और ये स्टैंड है तो इसी में ही मैं बना रही होती हूँ। ठीक है जी, कैमरा मैन मेरा कोई भी नहीं है और बच्चे मेरे छोटे हैं, वो उनको इतनी अक्ल नहीं है, तो मेरी बाएँ मेरी जो बहनें वगैरह हैं सब अपने अपने घर की हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं अकेली हूँ जो मैं काम कर रही हूँ, और अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का सब है मेरे साथ, आप लोग हो मेरे साथ, और बस इस तरह ही हम एक दूसरे के साथ बने रहेंगे तो सबकी हम मदद भी करते रहेंगे, खिदमत भी करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, ये देखें जी, और इसको फुली आँच पर बनाना है, इसको हल्की आँच पर नहीं बनाना, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से ही फुल आँच हम लोगों ने इस तरह करनी है ताकि ये बन जाए। इसका मसाला भी हमने सब कुछ बताती रहती हूँ, आप लोगों से शेयर भी करती हूँ हर चीज़। दिखाऊँ मैं आपको, ये अब लाइट ब्राउन भी होगा। ठीक है जी, और बहुत आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बस बनाने वाला होना चाहिए, थोड़ी सी थोड़ा सा दबाव होना चाहिए इंसान का। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का, मुझे ये हुनर आता है और मैं जो है ना अपना चैनल बना रही हूँ, बल्कि मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है। मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि आप लोगों का चैनल है, और इसको कामयाबी तक लेके जाना वो आप लोगों का काम है, हम तो व्यूअर्स कुछ भी नहीं है, बस किसी का सहारा बनना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं। तो बस ये जब भी मुमकिन है, जब आप मेरा साथ देंगे, आप मेरे चैनल को कामयाब करेंगे, तो ये आपके ही आपका ही चैनल है, इसको आपने बुलंदी तक लेके जाना है, और कामयाबी जो है ना वो आप लोगों की है, मेरी भी है, लेकिन आप लोगों की भी है, तो हम सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे कि ज़रूर कामयाब करेंगे, ज़रूर कामयाब करेंगे, क्योंकि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। ठीक है जी,
तो अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, मेरे साथ जितने भी बहन भाई हैं सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, रब्बुल आलमीन परवरदिगार। सब साथ यही गुजारिश होती है अपने घर में खुश रहा करें, मिलजुल कर रहा करें, थोड़ी सी तो ज़िंदगी है, कल किसने देखा है इसको क्या पता, ये कम से कम कुछ अच्छा करके तो चले जाए ना, ताकि लोग याद तो रखें कि हाँ जी इसने कुछ अच्छा किया। बस अब ये फ्राई हो रहे हैं, इसको हम निकालेंगे प्लेट में। ये जी हमारी छन्नी खानी, इसमें हम निकालेंगे इसको प्लेट में भी निकालने कोई बात नहीं, बल्कि हम इसको प्लेट में निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें ऑयली है ना, और वो छन्नी ना, ये देखेंगे कलर, कलर देखिए आप इसका, ये देखिए कलर, फिर बस ये कलर निकाला। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें और चिकन बहुत जल्दी जो ना फ्राई हो जाती है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है व्यूअर्स, चिकन आपको पता ही है झटपट में तैयार हो जाती है। और ये देखें जी कितने मज़े क्रिस्पी क्रिस्पी ये बने हैं, ये देखें जी अपने घर में ज़रूर शेयर कीजिएगा, बनाइएगा भी ज़रूर अपने घर में बच्चों के लिए, सबके लिए बनाइएगा, और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं माशाल्लाह से। और जी हम तो जीते अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं सबकी जो ना खिदमत करती रहूँगी, मदद करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मुझे कामयाब करे उस बुलंदियों तक लेके जाए जो मैं सबकी मदद कर सकूँ। तो जब भी मेरा व्लॉग देखें, जो भी मेरा व्लॉग देखें, तो इंशाअल्लाह ज़रूर बोल दूँगा, और बस मेरी कामयाबी जो है वो आप लोगों की कामयाबी है, ठीक है बस। ये देखें जी और ये फ्राई, अब इसको हम निकाल देते हैं इसमें, ठीक है जी, ये बन गया। अब कढ़ाई को हम रख देते हैं यहाँ पर, इसलिए कि हमने जो ना ये सारा कुछ ऐड करना है, मसाला वगैरह जो भी है सब ऐड कर लिया है इसमें। कढ़ाई है गरम, तो दूसरा चूल्हा जो है ये मेरा ख़राब हो रहा है, तो कोई नहीं इसमें बना लेते हैं इसको। ये देखें अब इसका हम जो ना मसाला बनाना है वो ये बनाऊँगा, ठीक है। ऑयल डालेंगे इसमें, ऑयल भी मेरा ख़त्म हो रहा है, तो कोई नहीं आ जाएगा फिर इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ हो जाता है, बस थोड़ी सी ना हिम्मत करने की ज़रूरत पड़ती है इंसान को, हिम्मत नहीं हारा करें, हिम्मत जो हार जाता है ना वो कभी भी कामयाब नहीं होता, तो इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए भी बस, ठीक है जी। आगे है हमारी हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डालेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालना, हमें थोड़े डालना है इसमें, एक चम्मच डाल दें अपने हिसाब से, आप डालते हैं ठीक है। तो हम सौते करेंगे और इसमें सारे मसाले हमने ऐड करने हैं इसमें, ठीक है। ये सोया सॉस है, ये सोया सॉस चला गया इसके अंदर, ये सिरका चला गया इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा खट्टा नहीं रखिएगा क्योंकि बच्चों के गले ना खराब हो गए ना, तो सही रखिएगा, खट्टा नहीं रखिएगा, ठीक है जी। ये चला गया इसके अंदर, और ये अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनता है ये,
और सबको बहुत पसंद आता है ये। जब भी मैंने बनाया ना अपने बच्चों के लिए, अक्सर मैं किसी मेहमान के लिए बनाती हूँ, तो ये बहुत झटपट में जो ना ये तैयार हो जाते हैं और कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है जी, और ये जो मसाला था ये सारा, इसमें सारी कुटी हुई मिर्चें और हल्दी और इसमें जो है ना चाट मसाला भी सारा कुछ है इसके अंदर, तो इसमें हमने डाल दिया इसको। ठीक है, इसको हम चलाएंगे। ठीक है, और इसमें हमने जो है इसको मिक्स करना है। इसमें मिक्स कर देंगे, इस टाइम पर सब डाल देंगे सब। चूल्हा कर देंगे हम बंद और अब चमचे की इसी की मदद से जो ना ये कांटा है ना, कांटे की मदद से जो ना हम इसको मिक्स कर देंगे। इसको हमें करना है मिक्स। ये देखिए सब मिक्स हो गया इसके अंदर, क्योंकि हम इसमें डोई नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, हम कांटे की मदद से ये सब कुछ करेंगे। ये देखिए है ना, मैं आपको दिखाऊं, ये सब मिक्स हो गया इसके अंदर। चीज़ें जो है ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें डालेंगे हम क्योंकि गरम गरम है ये। देखिए इसको सब ऐसे निकाल देंगे हम, डोई की मदद अब चाहिए हो गई हमें, आपको पता ही है जब तक डोई ना हो जो नहीं सकता। ठीक है, अब ये केचप है ये डालना है हमने इसका, और ये बड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। अपने घर में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाजमी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ये जो थे ना ये भी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, ये देखिए कितना मसे का, कितना यमी यमी बना है ये देखिए। ठीक है, इसको हम ट्रे में डाल के इसको जैसे आपका दिल करे वैसे आप गार्निश कर लें इसको किसी भी चीज़ से। अगर मेहमान आ रहे हैं तो अच्छी सजावट भी करनी चाहिए इंसान को। तो भी बस ये देखिए। ठीक है जी, ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबकी बरकत बरकत अता करे, रहमत अता करे। और जो मेरी बहनें हैं, माए बहनें हैं, सबको बहुत बहुत जो है ना अल्लाह ताला उनको हौसला दे। ठीक है जी, जो बेचारियाँ जो बेवा हैं और जो तलाक याफ्ता हैं, जो भी हैं रब्बुल आलमीन उनको जो ना सिद्दत अता करे, ताकि वो अपने बच्चों की अपने बच्चों के ऊपर सलामत ही रहे। ठीक है जी, तो आज की रेसिपी जो ये थी। ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, तो ज़रूर बताइएगा मुझे। ये सब चीज़ें हैं ये मैं यहाँ से खा लेती हूँ। ठीक है जी, ये आप लोगों से रेसिपी थी वो शेयर की मैंने, और ये देखें जी। ठीक है जी, ये देखें, ये देखें, ये देखें जी। ठीक है, कैसी लगी मेरी रेसिपी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।